ओके जी, सेटिंग हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम एन लिटिल बिट ऑफ इन ए नॉट सो गुड मूड राइट नाउ। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे आई एम प्रीटी श्योर कि आप सारी मदर्स मुझसे रिलेट करती होंगी इस सिचुएशन में कि आप पूरा दिन इतना काम करते, ये काम वो काम, घर के काम। मतलब हमारा तो कुछ थोड़ी स्पेशल सिचुएशन चल रही है जो आपको सून पता चलने वाली है, लेकिन ये है कि यू गेट सो एग्जॉस्टेड एट दी एंड। जब आप अपने लिए कुछ करने बैठते हैं तब आपके पास एनर्जी नहीं होती। और वीडियो क्योंकि मैं फ़िल्म करती हूँ तो मुझे तो ज़्यादा जो है ना अनोइंग चीज़ ये लगती है कि यार आई मस्ट बी लुकिंग सो टायर्ड राइट नाउ। तो मतलब पता नहीं किसी को मैं अच्छा लगेगा भी नहीं कि नहीं मेरी वीडियो देखना। तो वो चीज़ जो है ना मुझे और ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती है कि यार अब मैं क्या वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने एक्सप्रेस करनी है ये फीलिंग्स, क्योंकि मुझे पता है एक दफ़ा आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हो तो वो गायब हो जाती हैं। एंड एक्चुअली आई ऑलरेडी स्टार्ट टू फील बेटर एनीवेज। सो पिछली कुछ एक दो वीडियोस में मैंने आपको एक दो कुछ चीज़ें दिखाई थी एंड मैंने आपको बताया था कि मैंने ये फ्रीदा कालो की पेंटिंग्स पे बेस्ड ये एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ को करवाई हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू टुडे। एज यू कैन सी दिस लुक्स सो कूल। आई एम गोना कम बैक टू दिस इन अ मिनट। सो बेसिकली अब आपने करना ये है कि आपने बच्चे को बताना है कि हम अगले कुछ हफ्तों तक फ्रीदा कालो की पेंटिंग्स देखेंगे, ठीक है। फिर आपने एक पेंटिंग चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आप जैसे ये पेंटिंग चूज़ करते हैं। अब एक पेंटिंग एक हफ्ता जो आपने इसको दिखानी है डिफरेंट टाइम्स पे बच्चों को। फॉर एग्जांपल आप सुबह में अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप सुबह इंग्लिश का करवा रहे हैं काम, मैथ्स का काम करवा रहे हैं। उसके बाद फिर आप आर्ट्स पर आए। व्हाट यू डू इज़ आप बच्चों को दिखाते हैं पेंटिंग, ठीक है। आप उसके साथ बैठते हैं, उसका डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू सी इन दिस पेंटिंग? देयर इज़ अ वुमन, देयर आर सम फ्लावर्स अराउंड हर, it looks like there's a frame of flowers around it, you know, you can just discuss this painting. And Yahya ne jisse bade mazey ka mujhse ek sawal kiya tha ki mama ye us taraf kyun dekh rahi hai. I told him obviously ki she's posing for the painting. So that's, let them, you know, appreciate it, the painting, let them appreciate the colors. Yeah, so this is what you do for 2 to 3 days. And on the 4th day, what you do is आप बच्चों को दिखाएं इसी तरह से। 4th day पे the same way, painting, discuss it, whatever, and then you hide it, and then you ask him कि what do you remember about the painting? फिर बच्चों को जो जो भी याद होगा वो आपको बताएगा। इसका मकसद बेसिकली ये है कि बच्चों को नरेट करने की स्किल आनी चाहिए, नरेट करने की, सही है। अब आपको खुद ही अपने वर्ड्स में बताएगा कि there is a woman, she's looking on the side and she's wearing some rings and there are some flowers around her. And आप उससे पूछ भी सकते हैं बीच में अगर थोड़ा सा बच्चा कन्फ्यूज़ हो रहा है, he doesn't know how to say it. Ask him what colors do you remember and do you remember the color of her ring? What else do you remember? Do you remember anything specific about her hair? You know, इस तरह के questions करके let them practice on the narrating skills. तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू विद द पेंटिंग्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप इन पर एक बड़े मज़े के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वो पेंटिंग्स चूज़ करती हूँ जिनके या तो मुझे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं साथ, या फिर जो मुझे थोड़ी डिसेंट लगती हैं। यू नो, एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, पेंटिंग्स बहुत अजीब अजीब होती है। इसके जो कोर्स में भी आ रही थी कुछ पेंटिंग्स, I didn't show him every painting. So these were the paintings that I like and we chose these paintings. I'm going to share with you guys in the description these paintings. इनको मैंने word में डाल के इनके नामों के साथ मैंने नीचे रख दिया। आप उस पर क्लिक करें उस लिंक पर and then आपको वो दूसरी साइट पे ले जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। So yeah, so just print them, laminate them. Laminator नहीं है तो आप किसी फाइल में डाल सकते हैं। So it's just more durable and आपको टेंशन नहीं होगी कि बच्चा फाड़ देगा या उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, ठीक है। Now I'm going to share with you guys कि हमने इन पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, okay? So let's just get right in. ओके जी, ये सारी पेंटिंग्स हैं, उनके साथ उनके प्रोजेक्ट्स हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। सबसे पहली पेंटिंग हमारे पास ये है फ्रीदा कालो की। सो द नेम इज़ मैग्नोलियस, ठीक है। सो आई थिंक इट्स द नेम ऑफ द फ्लावर। अच्छा, अब ये पेंटिंग उसने जो है ना फ्रीदा कालो ने आई थिंक ऑयल पेस्टल्स एंड वाटर कलर से की हुई है। सो दैट्स व्हाई इट लुक्स रियली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेंटिंग्स। सो इसी के ऊपर पर ये वाला एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपने बच्चे को बेसिकली ऑयल पेस्टल्स, क्रेयॉन्स आते हैं स्पेशल, वो आपने देने हैं, वाटर कलर पेंट्स साथ रखने हैं, ब्रश रखें, वाटर रखें कप में, पेपर टॉवल रखें, एक बड़ा सा आर्ट पेपर जो है वो फिर बच्चे को दें। ये एंड पे मैंने तो ये काट के छोटा सा हो गया, लेकिन मैं इसको देती हमेशा बड़ा सा, यू नो व्हाटएवर ही वांट्स टू ड्रॉ एंड इट ही कैन ड्रॉ। सो आप ये सेट करके सारी चीज़ें रख दें एंड देन यू आस्क द चाइल्ड कि वो कोई पेंट से पहले जो है कुछ बनाए, व्हाटएवर ही वांट्स, हाउस बनाना है, सन बनाना है, तो या नहीं, आई थिंक कुछ डायनासोर टाइप का कुछ कोई चीज़ बनाने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चा वो करे, यानी बच्चों को बोले कि वो इस तरह से आउटलाइन सी बनाए जिसके अंदर कलर किया जा सकता हो। कलर करना नहीं है, मकसद ये है कि वो आउटलाइन जब वो बना लेगा पेंट से, उसके बाद आपने उसको ऑयल पेस्टल क्रेयॉन्स देने हैं। देन आपने उसको बोलना है कि उसके ऊपर अपने जब वो पेंट जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर वो ऑयल पेस्टल क्रेयॉन कोई भी चूज़ करे एंड उसके ऊपर इस तरह से करे। सो बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऑयल पेस्टल क्रेयॉन्स, बिकॉज देयर इज़ ऑयल इन इट, तो वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि गाइस नो कि ऑयल एंड वाटर दे डोंट मिक्स। तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना इसमें वो दिखाने की ज़रूरत है। आपको इतने छोटे बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गायों को बिल्कुल एक लाइन में बताया था, देन आई डिडंट एक्सप्लेन एनी फर्दर, क्योंकि आई थॉट इट्स जस्ट आप उसको एक्सपीरियंस करने दें खुद करके, लेट हिम एंजॉय। सो दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड इट। सो या so this was this, then next painting over here is this painting, इसका नाम है self portrait with necklace। इसके ऊपर ये बड़ा कोई मज़े का ये प्रोजेक्ट है, इसमें तो हमें बहुत ही मज़ा आया था। मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई थी लेकिन वो जो है ना मुझे लगता है मैंने डिलीट कर दी, मुझे मिली नहीं वो उसमें। तो इसी तरह आपने इसमें भी जो है बच्चे को पास्ता देना है, अनकुक्ड होना चाहिए ऑब्वियसली। देन आप पोस्टर पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, फिंगर पेंट्स यूज़ कर सकते हैं। हमने तो सिंपल वाटर कलर्स यूज़ किए हैं और इनका कलर इतना अच्छा, इतना ब्राइट इसलिए आया क्योंकि मैंने गाया को डिफरेंट टाइम्स पे सिखाया है कि आपने पेंट, वाटर कलर पेंट्स किस तरह से यूज़ करने होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रश में बेसिकली पानी डालते हैं, ब्रश को बेसिकली पहले गीला करते हैं, फिर आप उसको टॉवल साथ अपने टिश्यू जो पेपर टॉवल होता है उससे हल्का सा उसको फैट करते हैं ड्राई, एंड देन फिर आप अच्छी तरह से कलर लेते हो। फिर जब आप वो करते हो ना तो कुछ बहुत ही प्यारा फिट किस्म का कलर आता है, क्योंकि बिल्कुल वो गीले ब्रश के साथ बच्चे जब पेंट लेते हैं वो करते हैं तो वो कलर बिल्कुल आता ही नहीं, वो पानी पूरा जो है वो नीचे टप टप कर रहा होता है। सो एनीवेज इसमें फिर या यू जस्ट हैव टू, इस तरह आपको ये थ्रेड ले ले, मैंने तो ये एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशली ख़रीदी भी है, इस तरह का वो जो यार्न छोटी सी आती है तो उस पर क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जो बच्चों की थ्रेडिंग से यू नो रिलेटेड होती है। तो बच्चे की इससे ना बड़ी मजे की फाइन मोटर स्किल भी होती है कि यहाँ बड़ी मुश्किल से जो है ना वो पास्ता को उसके अंदर डालना था, एंड फिर मैंने उसकी पूरी हेल्प की, उससे पूरा तो उससे बन ही नहीं रहा था लेकिन ये उसने काफ़ी सारे जो है ना खुद बड़े शौक से डाले थे। एंड एंड पे मैंने इस तरह से नॉट लगा दी एंड देन देयर इज़ दिस लाइक दिस नेकलेस जो है बड़े मज़े का जो है तैयार हो जाता है। सो या अगर लड़कियाँ हैं तो ऑब्वियसली वो खुद भी दे विल एंजॉय। अपने मामा के लिए वो एक बनाए, एक अपने लिए बनाए, एंड याद है कि नहीं नो जस्ट प्रिटेंड प्ले विद इट। सो या दिस वाज अ रियली कूल एक्टिविटी, यू हैव टू ट्राई दिस वन, दिस वाज रियली फन। सो आवर नेक्स्ट पेंटिंग रीदा की, इस पेंटिंग का नाम द फ्रेम है। तो इसमें फिर आप देख सकते हैं कि शी हैज़ पेंटेड अ फ्रेम अराउंड हर पिक्चर। आप भी बच्चों को बता सकते हैं जिस तरह से फ्रीदा ने अपनी पेंटिंग के इर्द गिर्द एक पेंट फ्रेम किया है, इसी तरह से हम भी करेंगे। तो आपने इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, कुछ स्टिकर्स ले लें, कोई ग्लिटर टाइप है, कुछ पेंट्स रख दें, क्रेयॉन्स रख दें साथ, एंड देन एक बच्चे की पिक्चर जो है प्रिंट करके शोल्डर तक हो, जिस तरह से उसकी पिक्चर में, फ्रीदा की पिक्चर में सिर्फ शोल्डर तक की पिक्चर जो है वो बच्चे को दे दें साथ, एंड देन उसको बोले पहले वो पिक्चर को ग्लू करे पेपर के ऊपर, एक वाइट सिंपल पेपर के ऊपर, एंड देन उसके बाद ही कैन डेकोरेटेड इसी तरह से इंस्पायर होकर फ्रीदा की पिक्चर से। अच्छा एक और चीज़, अगर बच्चा इस तरह से इंस्पिरेशन ठीक है ले रहा है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहा है, कुछ और ही चीज़ें इसके इर्द गिर्द बनाना शुरू कर देते हैं, तो लेट हिम डू इट। आपने सिर्फ इंस्पिरेशन बच्चे को देनी है, उसकी मर्ज़ी आगे वो जो भी करे। याहिया को मैंने इसी तरह से बताया कि आपने जो एक फ्रेम बनाया तो उसने खुद ही से, मैंने उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहा, उसने खुद से जो है ना पहले ये पेंट से जो है वाटर कलर पेंट से इसके इर्द गिर्द फ्रेम की, उसने उसको ये समझ आई कि मैंने अपने इर्द गिर्द शायद आउटलाइन दे दी, उसको वो फ्रेम आई गेस समझ रहा था। सो दिस इज़ व्हाट ही डिड। देन उससे उस पर आप उसको पेंट कर दीजिए, पेंट करे जितना वो पेंट कर सकता है। जब वो पेंट जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो आपके पास ग्लिटर या स्टिकर्स वगैरह हैं, तो मेरे पास ये वाले स्टिकर्स से मेरे वो साथ रखे हुए थे। उसने बड़े शौक से जो है ना उसने खुद पूरा जो इसके लिए ना इस तरह से बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी आप बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स करवाते हैं आपने उसको बताना है ब्रीफ सा, ठीक है, एंड देन फिर आपने पीछे होकर बैठ जाता है, पीछे होकर आपने साइड पे बैठ जाना है। अगर बीच में बच्चा आपकी हेल्प मांगता है तो आप आएँ, लेकिन आप खुद से बार बार इंटरफेयर मत करेंगे, नहीं ऐसे क्यों किया, ये इधर नहीं करो, यहाँ पे कलर करो, स्टिकर्स ऐसे नहीं लगाने, फ्रेम की तरह लगाने, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। यू जस्ट हैव टू गिव देम सम इंस्पिरेशन। सही है। नेक्स्ट पेंटिंग हेयर इज़ दिस सेल्फ पोर्ट्रेट 11, इसका नाम है। इसमें फ्लावर्स है इर्द गिर्द, तो फ्लावर्स की इंस्पिरेशन काइंड ऑफ बच्चे को आपने देनी है। अगर आपके पास कोई मैगजीन्स है कुछ इस तरह के, तो आप उसमें से फ्लावर्स काट सकते हैं। मेरे घर में कभी भी मैगजीन्स नहीं होते हैं, सो मैंने तो एक पेज पर ही पूरे फ्लावर्स गूगल से डाउनलोड किए। मैं नीचे लिंक में भी शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो डू दैट। अदरवाइज खुद अपनी पसंद से गूगल पे कुछ पिक्चर्स फ्लावर्स की चूज़ करें, उनको प्रिंट करें एंड देन आप वो बच्चे को प्रिंट जो है निकाल के बच्चे को दे दें एंड देन लेट हिम कट, जितना वो ईजिली कट कर सकता है फ्लावर्स को कट करने दें। आप बाद में बाकी उसकी हेल्प कर दें, क्योंकि बच्चों के लिए सीजर स्किल्स जो है ना इट्स नॉट ईजी, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है, तो आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी। और पिक्चर इसी तरह से आपने पिक्चर भी उसकी प्रिंट करनी है, देन आपने बच्चों को बोलना है कि पिक्चर जितनी वो काट सकता है वो काटे। मैंने खुद ही काटी थी एंड मैंने वो पिक्चर काट के फिर उसको इस हाया को दे दी थी एंड देन वो ग्लू से उसको पहले लगा दे, फिर इसी तरह से उसको बताएं कि आप फ्रेम जो है ना आपने फ्लावर्स का जो आपने एड लगाना होती है पूरा हाया ने जो है ना खुद किया था। उसके बाद आप क्रेयॉन्स वगैरह अगेन साथ रख सकते हैं, जितना अगर वो कुछ का कलर करने का दिल चाह रहा था वो कर ले। बच्चे अमूमन जब इतनी ग्लू से वो लगा के और वो काट के थक चुके होते हैं तो उनका क्रेयॉन्स वगैरह का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा उसको जो है फिलअप करे। लेकिन हाया जिससे इस तरह यहाँ पे नीचे ब्लू ओशन सा बनाया था कुछ, नीचे उसने कोई बोर्ड बनाई थी। सो या सो दिस वाज आल्सो रियली फन एंड एक्चुअली हमने कितनी देर तक हमने इसको जो है ना फ्रिज पे लगाया हुआ था, एक्चुअली लुक्स रियली प्रिटी। सो या नेक्स्ट ओवर हेयर वी हैव स्टिल लाइफ विद पैरट, ये इस पेंटिंग का नाम है। तो इसमें एज यू कैन सी कि देयर आर लॉट ऑफ फ्रूट्स जो कि सर्कल शेप में है, तो सर्कल्स पे बेसिकली ये एक्टिविटी थी। इस पर आपने बच्चों को डिफरेंट मटेरियल देने हैं पेपर्स की, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट मटेरियल था, चार्ट का मैंने कुछ हिस्सा काट के हाया को दिया, फिर उसको उस पर हमने ट्रेस किए सर्कल। इस ये भी चार्ट का पीस है, ये मेरे ख्याल है नॉर्मल पेपर है, ये मेरी कोई अच्छा ये वाला टिशू है ठीक है। एंड देन वी हैव हेयर, ये मेरी की छोटी सी नोटबुक थी, उसके अंदर से ये पेपर था। सो जितने मटेरियल आपके पास, मैगजीन का मेरे पास नहीं था, मैगजीन का मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होता है पेपर का, जितने आपके पास घर में डिफरेंट मटेरियल है आप वो बच्चे के साथ रखें, उस पर आप सर्कल्स बनाएं, कोई भी चीज़ कोई लेड ले लें किसी भी जार वगैरह का, उससे आप बनाएं। बच्चों को भी बोलें अगर वो आपके साथ हेल्प करना चाहता है तो लेट हिम ट्रेस एज वेल। अमूमन बच्चे मैसअप करते हैं इस टाइम में, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट इंट्रोड्यूसिंग देम टू द न्यू आइडियाज़। वी डोंट हैव, हमें कोई परफेक्ट चीज़ हम अचीव नहीं करना चाह रहे, वी जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू सम आइडियाज़ ठीक है। एंड देन सर्कल बच्चे इस एज में नहीं काटते, जैसे हाया इज 4 years old, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू कट सर्कल्स। स्ट्रेट लाइंस में वो काट सकते हैं पर सर्कल्स उनसे नहीं काटे जाते ठीक है, तो वो आपने ऑब्वियसली उसके साथ हेल्प करनी है, देन ग्लू बच्चे लगा लेते हैं। सो दिस एक्टिविटी दिस वाज आल्सो रियली फन, यू हैव टू ट्राई ऑल ऑफ दीज आर सुपर फन। अगली कोई ये कितनी पेंटिंग्स है हमारे पास, 5 पेंटिंग्स है ना, तो 5 हफ्ते तक आपके बड़े मज़े के प्रोजेक्ट्स जो है ना पेंटिंग्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी बच्चों को। एंड देन इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स भी इस तरह करके जो है ना आपका हर हफ्ते का एक आर्ट प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। Hey guys, so these were the projects that I wanted to share with you guys today. And एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों से कहनी थी ना वो कि अगर आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स घर में बनाते हैं ना तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कहाँ पे शेयर कर सकते हैं, YouTube पे तो इट्स नॉट अलाउड, तो आप Facebook पर जाएं एंड वहाँ पे सारा मिल करके मेरा नाम सर्च करें। ये मैंने नीचे लिंक पे भी शेयर किया हुआ है अपने पेज का जो लिंक है, तो उस पर जाए तो वहाँ पर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाह रहे तो आप मुझे उसी Facebook पेज पर इनबॉक्स कर दें अपनी पिक्चर्स वगैरह। मुझे पहले भी किसी ने मॉर्निंग सर्कल टाइम बोर्ड्स वगैरह 2-3 लोगों ने जो है ना अपने बना के पिक्चर्स लेके मुझे भेजी कि हमने इस तरह से बनाई। इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन होती है ना, फिर दिल यही चाहता है कि ये जो चंद लोग ही है ना इनके लिए फिर मेरा दिल करता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, कि थोड़े से लोगों पर फ़ायदा हो रहा होता है ना, तो वो आपके लिए इनफ मोटिवेशन होती है टू वर्क हार्ड। सो आई डेफिनेटली डू दैट। इनफैक्ट मेरे जहन में जो है ना काफ़ी अर्से से ये आइडिया है कि जब मेरे पास आप लोगों की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जमा हो जाएंगी ना तो आई एम गोना कंपाइल ऑल दोज और उस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगी, उसमें आप लोगों की पिक्चर्स जो है ना बारी बारी सबकी पिक्चर्स आ रही होंगी। एंड इफ़ यू गाइज वांट तो मैं उसके नीचे आपकी जिसने जो पिक्चर बनाई है ना उसके नीचे उस बच्चे का नाम एंड देन मदर का नाम, क्योंकि मदर ने भी इतनी मेहनत की होती है, उन दोनों का नाम भी साथ साथ जो है ना डिस्प्ले पे वो होता जाएगा। आई थिंक दिस इज़ रियली कूल, क्योंकि इतना मोटिवेट जितना आप लोग मुझे करते हैं ना इतना अप्रीशिएट करते हैं, सो आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग फॉर यू गाइज एज वेल। आई वॉन्ट टू अप्रीशिएट यू एंड आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू to spend more time with your kids, to enjoy with your kids, to do more activities with your kids. So what do you guys think about it? Leave me your comments down below if you guys like this idea. I think it's a really cool one. So okay, I think we should end this video now, काफी ज़्यादा लंबी होती जा रही है. So thank you so much for watching. See you in the next video. Be aman Allah.